हे गाइज, अगर आप इन्फिनिक्स तरफ से कोई स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो आप कुछ दिन वेट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इन्फिनिक्स तरफ से एक काफ़ी दमदार पावरफुल स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा इन्फिनिक्स GT10 Pro 5G। भाई अब तक का सबसे बढ़िया स्मार्टफोन इंडिया के अंदर इन्फिनिक्स तरफ से लॉन्च होने वाला है। दोस्तों ये स्मार्टफोन की खास बात यह है कि इसमें आपको 160 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है और साथ में आपको काफ़ी दमदार पावरफुल बैटरी भी है जिसकी हेल्प से आप काफ़ी लॉन्ग टाइम फ़ोन को यूज कर सकते हो। दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा भी दिया गया है और इसका डिजाइन नथिंग 2 फोन की तरह होने वाला है। तो दोस्तों आखिर ये स्मार्टफोन को इंडिया के अंदर कब तक लॉन्च किया जाएगा और इंडिया प्राइस क्या होने वाली है, साथ ही किस एक्सिबिशन पर देखने को मिलेगा, वो तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको पूरा डिटेल में इस स्मार्टफोन के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम इसके लुक और डिजाइन को लेकर के बात करेंगे। तो गाइज लुक और डिजाइन में काफी बेहतरीन होने वाला है, बिल्कुल नथिंग 2 स्मार्टफोन की तरह यह स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। दोस्तों इस फोन का डिजाइन इतना बढ़िया होने वाला है कि अगर आप हाथ में पकड़ोगे तो काफी फील होगा। और दोस्तों ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड होने वाला है। और हाँ गाइज, ये स्मार्टफोन में आपको 26 GB की रैम साथ में 256 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। इसका और भी वेरिएंट देखने को मिल सकता है। अगर हम इस फोन के परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की बात करेंगे यानी कि प्रोसेसर की, तो गाइज इस स्मार्टफोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 8050 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि अभी का लेटेस्ट प्रोसेसर है। 3 GHz क्लॉक स्पीड के साथ रन करता है। भाई ये प्रोसेसर से आप अल्ट्रा से हाई सेटिंग पर गेमिंग काफी स्मूथली कर पाओगे और दोस्तों मल्टीटास्क में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बैटरी की वजह से आप काफी लॉन्ग टाइम गेमिंग भी कर सकते हो क्योंकि इसमें आपको 7000 mAh की बैटरी दी गई है और दोस्तों इस बैटरी को चार्ज करने के लिए 160 वाट का फास्ट चार्जर भी दिया गया है। गाइज इसके अलावा इस फोन के अगर हम डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो 6.43 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी जाएगी और 120Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा। साथ में आपको HDR10+ का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। दोस्तों ये डिस्प्ले पंच होल डिस्प्ले होगी और दोस्तों इसमें 1 billion का कलर भी मिल जाएगा। तो गाइज डिस्प्ले क्वालिटी भी काफी जबरदस्त की रहेगी। अगर हम इस स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया जाएगा जो कि 200 MP का इसका प्राइमरी कैमरा होगा, 100 MP का माइक्रो और 50 MP का डेप्थ सेंसर कैमरा देखने को मिलेगा। भाई इसके बैक कैमरा से आप 8K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो और सेल्फी के लिए इसमें आपको 50 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसके फ्रंट कैमरा से आप 4 तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो गाइज आपको बता दूं कि इस फोन का कैमरा इतना बढ़िया होने वाला है कि आप काफी बढ़िया फोटो क्लिक कर सकते हो, साथ में आप रील वगैरह भी काफी बढ़िया इस स्मार्टफोन के कैमरे से क्लिक कर सकते हो। सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया जाएगा और 3.5 का ऑडियो जैक भी रहेगा। तो गाइज अगर इस स्मार्टफोन के हम अगर प्राइस के बारे में बात करेंगे तो 24 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज की एक्सपेक्टेड प्राइस है 25,000 रुपया। वहीं पे बात करते हैं इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट के बारे में, तो ये स्मार्टफोन की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 28 अगस्त 2023। उम्मीद है तब तक ये इंडिया में देखने को मिल जाएगा।